आज आप लोग के डिमांड पर ही हम भारतीय भवन चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और ये पार्ट 1 वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूलभूत शर्तों के नाम लिखे। तो इसका जो आंसर होगा संतुलित आहार, स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ भोजन एवं जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 रोगों के नाम लिखे जिन्हें स्वच्छ जल का उपयोग करके फैलने से रोका जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखे। तो इसका जो आंसर होगा मलेरिया, पोलियो और डायरिया इत्यादि। ये और भी हो सकते हैं। 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखे। इसका जो आंसर होगा कैंसर और मधुमेह। असंक्रामक मतलब जो फैलता है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, यानी ऐसे रोग होगा यहाँ पर दोस्तों जो बहुत समय तक रहते हैं, वो क्या कहलाता है? चिरकालिक रोग। चलते हैं नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? इसका जो आंसर होगा संक्रामक रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन, वाहक कारकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा संचारित रोग। क्या होगा? संचारित रोग। हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है? रेबीज। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड रोग के कारकों को लिखे। टाइफाइड रोग यानी संक्रमित जल व भोजन के सेवन से, AIDS यानी एड्स का पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम का जो आंसर होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, HIV यानी HIV का पूरा नाम क्या होगा? यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग या टीबी किस संक्रामक बैक्टीरिया से होता है? तो क्षय रोग और टीबी किस संक्रामक बैक्टीरिया से होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्षय रोग, देखिए यहाँ पर आंसर है क्षय रोग और टीबी होता है, तो इसका जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसा आहार जिसके सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, लोह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा एनीमिया। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो को, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चिरकालिक रोग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में दे दूंगा। तो आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।